So hi everyone, this is Arpit Kaushik, your mentor at The Next Officers. तो जो भी बच्चे CAPF इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, जिनका भी इंटरव्यू 2024 या उसके बाद आने वाले टाइम में स्केड्यूल है, उनके लिए मैं स्पेशल क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, जिनमें कि मेरी पूरी एक अंडरस्टैंडिंग जो है इंटरव्यूज़ को लेकर, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने सभी लोगों के साथ बात करके इस पूरे अपने नोट्स को फ्रेम कराया आज, सो दैट दीज नोट्स कैन बी बेनिफिशियल टू एवरीबडी. तो उस सीरीज में ये फर्स्ट एपिसोड है, तो यहाँ पे मैं कोशिश रहेगी कि आपको इंटरव्यू को कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या एक माइंडसेट होना चाहिए इंटरव्यू को लेकर, उसके बारे में बताने के लिए. तो आई रियली विश के ये जो हमारी पूरी एक मेहनत है, जो पूरी प्लेलिस्ट में क्रिएट करने जा रहा हूँ अब यहाँ से, जिसका कि ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट लेक्चर है उस पूरे प्लेलिस्ट का, आई रियली विश कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो. तो ये जो मेरा एफर्ट है, यू कैन वेरी वेल अप्रिशिएट इट, यू कैन मोटिवेट मी बाय कमेंटिंग ऑन द वीडियोस, बाय शेयरिंग द वीडियोस एंड बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल. सो डू प्लीज शेयर टू आवर चैनल एंड डू सब्सक्राइब टू इट. सो टू बिगिन विद, हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इंटरव्यू को अप्रोच कैसे करना चाहिए, इंटरव्यू के लिए एक राइट माइंडसेट क्या होना चाहिए. राइट, बिफोर कटिंग टू द क्वेश्चन के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या कंटेंट मुझे प्रिपेयर करना है, उससे पहले एक बेसिक होता है कि किसी भी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो तो आपका माइंडसेट क्या होगा, आपको कैसे अप्रोच करना है, कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है अपनी प्रिपरेशन को. सो टू बिगिन विद, जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, दैट आई वॉन्ट टू ब्रिंग आउट कि इफ़ यू आर पुटिंग इन 5 आवर्स ऑफ हार्ड वर्क एवरी डे, अगर आप 5 घंटे प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें से 1 घंटा डू कीप इट फॉर प्रैक्टिस. आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. आप अपने किसी कलीग को, अगर आप वर्किंग है तो यू कैन टॉक टू योर कलीग, यू कैन टॉक टू अ फ्रेंड, नॉट एनी रैंडम फ्रेंड, समवन ही यू ट्रस्ट अपॉन, जिस पे आपको ट्रस्ट हो कि जो कॉलेज में पढ़ाई में अच्छे थे या जिनके जिनके कम्युनिकेशन अच्छे थे, जिन्होंने इस तरीके इंटरव्यूज को क्रैक करा, यू कैन कॉल देम, यू कैन टॉक टू देम, उनसे बातें करो. और जब आप उन्हें अप्रोच करोगे, देन यू शुड फील दैट आई एम एन ऑफिसर, आई एम गोइंग फॉर एन इंटरव्यू. इट शुड नॉट बी ए कैजुअल इंटरेक्शन कि दोस्त बैठा तो कुछ भी बोल दिया. जस्ट थिंक कि मैं इंटरव्यू पैनल के सामने क्या बोलने वाला हूँ, वही तरीके से आपको उन लोगों से बात करनी है. आपके कोई फ्रेंड है जो UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको कुछ टाइम होकर प्रिपेयर करते हुए, जिन्होंने मेंस दिया हुआ या पहले इंटरव्यूज दिए हुए हैं, तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं कि हर दिन आप एक फैमिली मेम्बर के या फिर एक अपने फ्रेंड के साथ इंटरेक्ट करें, तो आपके डेली बेसिस पे बहुत सारे मॉक सेशंस क्रिएट हो जाएंगे. तो प्रैक्टिसिंग इज एन इंटेग्रल पार्ट, जिसके बिना इंटरव्यू पॉसिबल नहीं है कि क्लियर कर पाना. तो यू हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. सो फॉर एवरी 5 आवर्स ऑफ हार्ड वर्क दैट यू पुट इन, फॉर एवरी फाइव आवर्स ऑफ प्रेपरेशन दैट यू आर डूइंग, उन 5 में से 1 घंटा आपको प्रैक्टिस के लिए रखना. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. सेकेंड थिंग, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि मैंने कैसे बोला, यानी कि आपको फीडबैक मिलेगा, यू शुड हैव दोस्त लाइक ऑडेसिटी के टू एक्सेप्ट योर नेगेटिव रिजल्ट्स, योर क्रिटिकल फीडबैक्स. ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना है एंड यू हैव टू वर्क अपॉन योर सेल्फ. दिस इज द सेकेंड पॉइंट, कि जो आपको फीडबैक आ रहा है, नोट इट डाउन कि मुझे क्या बताया गया है, एंड स्टार्ट इम्प्रूविंग योर सेल्फ. स्टार्टिंग में जब पहले 2-3 लोगों से आप बात करोगे, हो सकता है आपको उतना अच्छा एक रिस्पॉन्स ना मिले, आपको समझ में ना आए कि मुझे क्या बोलना है, सब कुछ हर इंसान मेरे लिए इतना क्रिटिकल फीडबैक क्यों दे रहा है. बट ग्रेजुअली वो जो चीज़ें हैं, दैट विल स्टार्ट इम्प्रूविंग, जस्ट बिकॉज यू आर वर्किंग अपॉन योर सेल्फ. दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जो भी फीडबैक आ रहा है, आपका जो एक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए वहाँ पे. ऐसा नहीं है कि बस मैंने एक उनको जाके बोल दिया कि उन्होंने मेरी बातें सुन ली एंड इट्स ओवर. इट शुड बी एन एंगेजिंग एक्सरसाइज जहाँ पे आपको फीडबैक मिलेगा एंड यू आर वर्किंग अपॉन योर सेल्फ. तो आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबसे आपसे बात करनी है, उनका एक फीडबैक आपको लेना है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि उस फीडबैक से आपको खुद को इम्प्रूव करना. राइट नाउ हाउ टू बिगिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब मैं एक सेपरेट हेडर यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ कि बिगिन कैसे करना है अब इंटरव्यू को लेकर. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्टेट ऑफ माइंड. यू शुड हैव द राइट थिंकिंग, यू शुड बिलीव दैट यू कैन विन, यू विल विन, एंड देर इज नथिंग दैट्स गोना स्टॉप यू. सबसे पहले एक राइट माइंडसेट को क्रिएट करना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट को क्रिएट करना है. ये जो पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म, इस तरीके के वर्ड सिर्फ यूसेज में नहीं लाने हैं. यू हैव टू लाइक put these words in yourself. You have to impregnate yourself with these words, these feelings of optimism, never say die attitude. एक आपको एक positive approach रखनी पड़ेगी अपने interview के लिए. Right, so you have to think कि ऐसा क्या है इस interview में जो मैं clear नहीं कर सकता.
राइट यू हैव टू थिंक कि मैं बिल्कुल इसको क्लियर कर सकता हूँ, हर चीज़ मेरे कंट्रोल में है। और रोज़ सुबह उठ के आपको अपने आप से बात बोलनी है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यूपीएससी की बिल्डिंग में जाऊँगा या एक बहुत बड़े पैनल को मैं फेस करूंगा या कोई ग्रुप एक रेजिडेंट ऑफिसर का एग्जाम है। इट्स गोना बी कॉन्वर्सेशनल, आपको अपने कॉन्वर्सेशनल स्किल्स को इम्प्रूव करना है, यू हैव टू टॉक राइट। तो वो उससे पहले एक स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट करना है, एक राइट साइकोलॉजी क्रिएट करनी है। एक बात को हमेशा याद रखिए कि अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर आप अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, देन नो वंस गोना रिस्पेक्ट यू, नो वंस गोना एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, एंड नो वंस गोना शो ट्रस्ट इन यू। तो पहली चीज़ है जहाँ पे आपको खुद पे ट्रस्ट शो करना पड़ेगा, राइट, कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, मैंने पहले रिटन एग्जाम को क्लियर किया, मैंने फिजिकल एग्जाम को क्लियर किया, मैंने मेडिकल टेस्ट क्लियर करे, आई हैव समथिंग, आई एम नॉट जस्ट एनी रैंडम पर्सन इन द कंट्री। मैंने एक बहुत ही कोवेटेड पोजिशन के एग्जामिनेशन को क्लियर किया है जिसे यूपीएससी कंडक्ट कराती है, तो मेरा भी कुछ लेवल है, राइट। ओवर कॉन्फिडेंट पर नहीं उड़ना है, उड़ना नहीं है हवा में, बट यू हैव टू ट्रस्ट इन योर सेल्फ। तो वो जो बात मैंने कही थी कि जैसा परसेप्शन आप अपना बनाओगे वैसा ही परसेप्शन दूसरे आपसे बनाएंगे, वो भी थोड़ा सा कम होगा। अगर आपका अपने ऊपर 100% ट्रस्ट है तब सामने वाला आपको 80% ट्रस्ट करेगा, राइट। तो वो चीज़ें जो आप पहले दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो अपने लिए, वो पहले आपको खुद पे इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई बिकॉज ऑफ दोस दैट नेगेटिव साइकोलॉजी, दैट नेगेटिव माइंडसेट, राइट। सो यू हैव टू फोकस ऑन द गुड एस्पेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंजीनियरिंग करी, बट बहुत से बच्चे होते हैं जिन्होंने सिर्फ झक मार के इंजीनियरिंग करी होती है, उनके बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग की नॉलेज नहीं होती है। तो इस पॉइंट पे आके वो लोग थोड़े से क्रिटिकल बन जाते हैं अपने लिए कि यार मैंने इंजीनियरिंग तो करी बट मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या जो भी आपने किया हुआ, आपने MBA की हुई है, BA, BSc, वट एवर यू हैव डन, यू आर थिंकिंग कि मुझे नॉलेज नहीं है। दैट्स अ नेगेटिव पार्ट ऑफ इट, दैट्स द नेगेटिव साइकोलॉजी। व्हाट्स द पॉजिटिव थिंग कि मैंने BTech की हुई है, आई एम वे अहेड अदर्स, मैंने टेक्निकल कोर्स को कंप्लीट किया है, मैंने अपनी जिंदगी के 4 साल इतने सारे सब्जेक्ट्स को देकर निकाले हैं, राइट। दिस इज व्हाट इज डिफरेंशिएटिंग मी फ्रॉम अदर्स। ये एक पॉजिटिव अप्रोच है कि एक क्राउड में जहाँ पे बहुत सारे लोग BA, BSc या अलग अलग यू नो नॉन टेक कोर्सेज से आए हुए हैं, आई एम समवन हु हैज़ क्लियर दोज टेक्निकल सब्जेक्ट्स, जिसने इतने सारे सब्जेक्ट्स को, लैब्स को और असाइनमेंट्स को एक साथ हैंडल किया है, मैंने इतनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करी है, एंड आई हैव डन कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग। तो हर चीज को सोचने के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, यू हैव टू डेवलप दैट पॉजिटिव अप्रोच, यू हैव टू थिंक गुड ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर प्रोफाइल, ऑफ योर क्रेडेंशियल्स, राइट। और ऐसा नहीं है कि अगर मैंने इंजीनियर्स के लिए एक बात बोली है तो जो बेचारे नॉन इंजीनियर्स हैं अब वो सोच रहे हैं कि अरे यार इंजीनियरिंग के लिए तो ये बोल दिया कि हम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हमारे लिए क्या रहा। यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ, आपने बी ए भी करी है तो यू कैन से कि आई एम एसोसिएटेड टू द आर्ट्स, राइट, आई कैन अंडरस्टैंड दो सब्जेक्ट्स जिनके नॉर्मली इंजीनियर्स नहीं पढ़ पाते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी, इसीलिए वो बीटेक करते हैं। बहुत से बीटेक बच्चों की कमजोरी होती है, दे जस्ट कांट सिट विद द बुक्स, दे कांट रीड द बुक्स, दे हैव नो नॉलेज ऑफ आर्ट्स। आपने BA करी है, इंग्लिश में करी, यू कैन ऑलवेज से कि आई हैव दो स्किल्स ऑफ टीचिंग द सब्जेक्ट, ऑफ टीचिंग द लैंग्वेज टू एनीबडी। मैं कैसे इसको इम्प्लीमेंट करूंगा कि मेरे इतने सारे जवान हैं, आई एम डैम श्योर कि हर वो लोग इतने अच्छे प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, इस रीजन से वो अपने बच्चों को भी आगे शायद अच्छी लैंग्वेज नहीं सिखा पाएंगे। तो वॉट आई विल डू इज आई विल हेल्प आउट देम विद द लैंग्वेज दैट आई नो। मैंने BA हिंदी में करी है, MA इंग्लिश में, जो भी मैंने की है मैं उनकी लैंग्वेज में वर्क करूंगा, सो दैट दे कैन स्प्रेड दैट नॉलेज टू देयर चिल्ड्रन। तो इस तरीके से करके आप कुछ भी एक बात अपने बारे में क्रिएट कर सकते हैं विच डिफ्रेंशिएट्स यू फ्रॉम अदर्स, राइट। तो ऑल आई वॉन्ट टू से यू हैव टू डेवलप दैट पॉजिटिव माइंड सेट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इन हाउ टू बिगिन में, द सेकेंड पॉइंट इज नाउ यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ओनली अबाउट द इंटरव्यू, कीप एवरी थिंग्स असाइड। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, आपकी डेट्स आ जाती हैं, अभी के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि आपकी अभी तक डेट्स नहीं आई हैं, तो अभी के लिए यू कैन बैलेंस आउट थिंग्स। बट एक बार जब फाइनल इंटरव्यूज के डेट्स और कॉल्स आने स्टार्ट हो जाएं, बल्कि उससे थोड़ा टाइम पहले ही जब आपको पता चल जाए कि ठीक है अब यहाँ से आई नो कि अब हमारा नंबर लगने वाला है, CAPF के भी इंटरव्यूज आएंगे, कीप एवरी थिंग असाइड, राइट। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अनटिल और अनलेस उसका बिल्कुल प्री मेंस एकदम इंटरव्यू के साथ नहीं आ रहा है, देन कीप एवरीथिंग असाइड, फोकस ऑन द इंटरव्यू, राइट। टेक अ लेसन आउट ऑफ इट कि अगर इंटरव्यू भी है, अगर आप किसी और आगे सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं तो भी कहीं ना कहीं इंटरव्यू आपको पे करेगा, तो वाई नॉट इन्वेस्ट दिस टाइम इन माई सेल्फ। क्योंकि जब हम रिटर्न के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि यार एक लास्ट राउंड रहेगा इंटरव्यू का, पता नहीं मैं सारा कर लूँ क्या, मैं इंटरव्यू में तो अटक जाऊँ। तो दिस कैन बी अ प्लेइंग फील्ड फॉर यू, ठीक है ना। सो कीप एवरीथिंग असाइड, फोकस ऑन द इंटरव्यू। मैक्सिमम लोग यहाँ पर इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं इस इंटरव्यू में बिकॉज दे आर नॉट लाइक कंप्लीटली फोकस्ड ऑन द CAPF, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस अदर एग्जाम्स,
एंड वो जो CPF को देने जाते हैं उनके अंदर ये एक वो फैक्टर होता है कि मेरे लिए ये सेकेंडरी है, मेरा प्लान बी है, मेरा प्लान ए कुछ और हो सकता है, राइट? तो अगर आप डेडिकेटेड है CPF के लिए, देन आई एम डैम श्योर, आई एम सेइंग दिस इन द वीडियो, कि यू विल बी एबल टू मेक थ्रू. इतना ज़्यादा टफ नहीं है. बहुत से बच्चे यहाँ पे वो आते हैं जिनको नहीं जाना होता CPF में, जिनके लिए सेकेंडरी ऑप्शन होते हैं, वो किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट हो जाता है. तो अगर आपके लिए CPF मायने रखता है, इफ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, अगर आप खुश हो कि मैं CPF में जाना चाहता हूँ, दिस इज माई एम एंड आई वॉन्ट टू क्लियर दिस इंटरव्यू, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सेल थ्रू, देर इज नो डाउट अबाउट इट. ऑल यू हैव टू डू इज कीप दैट पॉजिटिव माइंड सेट एंड ट्रस्ट इन योर सेल्फ, राइट? नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, विच इज ऑफ सेल्फ प्रैक्टिस. सेल्फ प्रैक्टिस को मैंने पहले भी बताया कि यू कैन टॉक टू योर कलीग्स, योर टीचर्स और योर फ्रेंड्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टू डू द मिरर प्रैक्टिसिंग. आप मिरर में खुद को देखिए कि बोलिए. बहुत ही मेरे को लगता है कि सबसे मुश्किल होता है अपने आप से बात करना, अपने आप को मिरर में देखते हुए बोलना, सॉरी गलत बोलते बोलते हुए देखना. तो क्योंकि कहीं ना कहीं हम फिर अपने आप को अलग अलग एस्पेक्ट्स पे जज करने लगते हैं, कुछ एस्थेटिक, मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मेरे कैसे एक्सप्रेशंस आ रहे हैं. तो अगर आप अपने साथ कंफर्टेबल नहीं होगे, अपने आप को देखने में कंफर्टेबल नहीं होगे, तो दूसरा भी नहीं होगा. मैंने कही थी ये बात आपसे एक पॉइंट में अभी कुछ टाइम पहले, कि जैसा परसेप्शन आप अपना रखोगे वैसा ही परसेप्शन दूसरे आपका रखेंगे. तो अगर आप अपने साथ बात करने से कंफर्टेबल नहीं हो, अगर आप खुद को इंटरव्यू देते हुए मिरर में देखने में कंफर्टेबल नहीं हो, तो दूसरे भी आपको देखने में कंफर्टेबल शायद ना हो पाए, राइट? क्योंकि जब आप इंटरव्यू दे रहे होगे, आपके कम कहीं ना कहीं दिमाग में बात चल रही होगी कि यार मैं ठीक से नहीं बोलता हूँ, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ. बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद योर सेल्फ, इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन साइड योर हार्ट एंड योर ब्रेन, तो डेफिनेटली द लिसनर, द इंटरव्यू पैनल इज गोइंग टू बी कंफर्टेबल विद यू, राइट? तो मिरर प्रैक्टिस करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. रोज 10 मिनट आपको मिरर प्रैक्टिस करनी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. तो जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन, योर एकेडमिक बैकग्राउंड, योर हॉबीज, उन क्वेश्चन को एटलीस्ट अपने आप को देख के आपको बोलना है. जो भी कुछ न्यूज टॉपिक्स आप पिक कर सकते हैं, यू कैन स्पीक ऑन देम, और अपने आप को देखते हुए बोलते हुए देखना है इंटरव्यू में. और क्या कर सकते हैं इंटरव्यू देखते हुए, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? जैसे बहुत से यूट्यूबर्स हैं, जैसे यू नो दे वर्क ऑन योर ऑन देयर फेशियल एक्सप्रेशन, तो अच्छा लगता है जब आप यू आर स्पीकिंग इन एन एंगेजिंग मैनर, बोलते हुए लगता है कि हाँ मैं किसी इंसान से बात कर रहा हूँ जिसके चेहरे पे एक्सप्रेशन आ रहा है. कोई सैड न्यूज आ रही है तो थोड़ा सा चेहरे पर लगना चाहिए कि हाँ, बिकॉज थिंग्स आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम योर हार्ट, राइट? अगर कोई मोटिवेशनल है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो एड्रेनलिन रश दिखना चाहिए. हल्की सी स्पीड आप फास्ट कर सकते हो, बिकॉज थोड़ी सी आप आवाज़ को बढ़ा सकते हो, वो चेहरा वो थोड़ी सी आइज को छोटा करके एक वो फेशियल एक्सप्रेशन को आप इंप्रूव कर सकते हो. सो दैट एंगेजेस द पर्सन, इवन इफ ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू योर आंसर, ही इज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग एंड वॉचिंग यू स्पीक दैट पर्टिकुलर थिंग. कॉन्टेंट अगर अच्छा नहीं हुआ तो आपकी बॉडी लैंग्वेज उसे कवर कर देगी, राइट? तो फेशियल एक्सप्रेशन पे वर्क करना है, उस आई कॉन्टैक्ट पे वर्क करना है. मिरर प्रैक्टिस करते टाइम आपको खुद से बात करनी है, खुद को मौक देने हैं रोज, मतलब 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, जितना आप दे पाओ. तो स्टार्ट एंड अदर थिंग इज स्टार्ट टॉकिंग. जितना ज्यादा अब इस मोमेंट पे आप बात करेंगे, अब क्या होता है कि जब हम प्रिपरेशन फेज में होते हैं, वी स्टार्ट अवॉइडिंग पीपल. कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया बंद कर देते हैं, हमें लगता है कि दोस्तों से बात करेंगे तो शायद वो कॉन्सेंट्रेशन खराब होगा, कहीं ना कहीं दिमाग में थॉट्स चलते रहेंगे, जो बातें होंगी वो पढ़ते हुए दिमाग में आएंगी, ठीक है? सो वी टेंड टू अवॉइड पीपल. बट ऑल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको जो मिल रहा है, टॉक टू हिम, टॉक टू द पर्सन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सन, एंड दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस दैट यू कैन डू. स्टॉप अवॉइडिंग पीपल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आपके आसपास जितने लोग हैं, आपसे बड़े छोटे, सबसे बात कीजिए. बेटर है अपने से बड़े लोगों से बात कीजिए, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू पैनल है उनकी जो एज रहेगी, इट विल बी क्लोज टू 55-60 अकॉर्डिंग टू मी. कोई एक हो सकता है उनमें से जिनकी एज कम हो, बट मोस्ट ऑफ देम आर दी पीपल हु आर एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, जिनके रिटायरमेंट के 2-3 साल या 1 साल बचा है, उनको यूजली इंटरव्यू पैनल में इंक्लूड किया जाता है. दे कैन यूज देयर विजडम. सो टॉक टू द एल्डरली पीपल, टॉक टू द पीपल हु आर एकम्प्लिश्ड. अगर आपके नोन में कोई असिस्टेंट कमांडेंट है, या फोर्सेज में कोई है लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, या कोई ऐसे जिनको 20-30 साल अपने ऑर्गेनाइजेशन में देते हुए, अगर अच्छी प्रोफाइल है उनकी, किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं या सिविलियन वर्ल्ड में हो सकते हैं, जस्ट टॉक टू देम, सी देयर माइंड सेट, सी देयर पेस ऑफ टॉकिंग, एंड यू कैन इम्प्रूव फ्रॉम दिस. सो यू हैव टू स्टार्ट टॉकिंग राइट नाउ, ठीक है? सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डोंट थिंक अबाउट द पास्ट. अब जो पीछे हुआ उसके बारे में नहीं सोचना है. आपका रिटर्न एग्जाम कैसा हुआ, आपके रिटर्न में मार्क्स कैसे रहे होंगे, ठीक है? आपके ईयर गैप है, स्टडीज में गैप है, आपको 2 साल 3 साल प्रिपरेशन करते हुए हो गए,
आपने यूपीएससी के प्रीवियस अटेम्प्ट्स दिए हुए, सिविल सर्विसेज के दिए हुए, बट यू डोंट वांट टू रिवील सिविल सर्विसेज इन द इंटरव्यू, तो उन चीज़ों के बारे में अब नहीं सोचना है। जो कहने का मतलब है कि जो कंट्रोलेबल्स हैं, जिनको आप चेंज कर सकते हो, जो वेरिएबल्स हैं उन पे वर्क करना है, जो आपके हाथ में नहीं है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ थिंकिंग ऑन देम, जस्ट फॉरगेट योर पास्ट, प्रिपेयर एन एक्सप्लेनेशन फॉर देम, दैट्स इट, एंड कीप इट असाइड। जो आपके कंट्रोलेबल नहीं है उनके लिए आपको सिर्फ एक थॉट प्रोसेस देके क्यों ऐसा हुआ, क्या रीज़न था ये, और अलग किया। और जो नहीं हुआ, रिटर्न के मार्क्स कैसे थे, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, और ऐसे वैसे, अब आपको कुछ सोचने का टाइम नहीं है, अब आपको सिर्फ इंटरव्यू पे फोकस करने का टाइम है, राइट? क्योंकि आप इन बातों के बारे में सोचेंगे, दैट विल अनडाउटेडली टेक यू टू सम नेगेटिव थॉट्स। आपको पॉजिटिव देखना है, फ्यूचर के बारे में देखना है, इंटरव्यू के बारे में सोचिए, रिजल्ट के बारे में सोचिए, पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में सोचिए, तब जाके वो एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट होगा। सो इफ़ यू वांट दैट, आई क्रिएट अ वीडियो कि जो मैं बात बोल रहा हूँ बार बार, पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करो, पॉजिटिव साइकोलॉजी क्रिएट करो, कहना आसान होता है बट हाउ टू अचीव दैट थिंग, सो यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन, आई कैन क्रिएट अ सेपरेट वीडियो कि वो अपने माइंडसेट को अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इतने छोटे से टाइम फ्रेम में चेंज कैसे करें। क्योंकि आई अंडरस्टैंड राइट नाउ मैं वर्किंग प्रोफेशनल, मेरा थॉट प्रोसेस काफ़ी चेंज हुआ, बट जब मेरा इंटरव्यू था, जब मैं आई वॉज स्ट्रगलिंग फॉर दिस सक्सेस, काफ़ी टाइम हो गया था प्रिपेयर करते हुए, राइट, तब एक अलग थॉट प्रोसेस था। विद टाइम्स वेन यू स्टार्ट अर्निंग, तो चीज़ें थोड़ी सी इंप्रूव होती हैं लाइफ में, बट जब आप एक स्टूडेंट फेज में होते हो, जब आप लोगों को अवॉइड कर रहे होते हो, अपने 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 गोल को आप अचीव करने के लिए स्ट्राइव कर रहे होते हो, तो एक अलग थॉट प्रोसेस होता है। सो इफ यू वॉन्ट मी टू क्रिएट अ वीडियो, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, और यू कैन लाइक स्ट्रेट अवे मैसेज मी ऑन द लिंक्डइन और इंस्टाग्राम और ऑन द नेक्स्ट ऑफिसर्स पेज ऑन लिंक्डइन, एनीवेयर। या सो डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, द रिटन मार्क्स, सो इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक, फोकस ऑन द इंटरव्यू एंड स्टार्ट डेवलपिंग योर पर्सनैलिटी, दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, वॉट टू रीड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। बहुत से बच्चे भी पूछ रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक न्यूज़पेपर पढ़ें, यूपीएससी वाले हिंदू पढ़ते हैं, हमें क्या सिर्फ हिंदू ही पढ़ने की ज़रूरत है? ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी नेशनल न्यूज़पेपर एक को रिलीजियसली फॉलो कर लीजिए, राइट? तो उसमें भी आपको हर न्यूज़ को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो भी कंटेंट वहाँ पे मिल रहा है, चूज़ योर न्यूज़पेपर। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग में हॉबी लिख रहे हो, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी पढ़ना है, अबाउट द न्यूज़पेपर, इफ़ यू रीडिंग द हिंदुस्तान टाइम्स, इफ़ यू रीडिंग द टाइम्स ऑफ इंडिया, रीडिंग द लाइव मिंट और द हिंदू, तो उनके बारे में जैसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं, आपको प्रिपेयर करना कि कौन एडिटर है, कौन सा कॉलम कौन लिखता है, यूजुअली किस किस केस में आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, इस तरीके से। तो कोई भी आपको एक नेशनल न्यूज़पेपर एक से दो घंटे पढ़ना है, मेरे अकॉर्डिंग दो घंटे तो लगेंगे आपको पढ़ने में, अगर आपको इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। यू कैन ऑमिट द फैक्चुअल डेटा अगर याद नहीं रहता है, तो अगर याद रहता है, इफ़ यू कैन डू द एफर्ट, डू रिमेंबर इट। बिकॉज राज चरण सर जो असिस्टेंट कमांडेंट एक है, उनसे इंटरव्यू में कर रहा था, पॉडकास्ट में उनके साथ कर रहा था, सो ही टोल्ड मी कि उनसे एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया था कि वर्ल्ड में फास्टेस्ट इंटरनेट कौन सी कंट्री में है, सो दैट वॉज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। बट रिसेंट पास में मैंने देखा है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस इतने ज़्यादा नहीं पुट अप किए जा रहे हैं। तो हाउ टू अप्रोच अ न्यूज़, तो देयर आर थ्री एस्पेक्ट्स टू इट, वन इज़ द इन्फॉर्मेशन, अदर वन इज कॉन्सेप्ट, एंड थर्ड वन इज द वर्ड्स। इन्फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट एंड वर्ड्स। व्हाट इज इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन इज द न्यूज़ इन इट्स डायरेक्ट फॉर्म। तो जस्ट थिंक के जैसे एक कोई भी टॉपिक पकड़ लेते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई, तो वहाँ पे रजीम चेंज हुई, सो दैट्स द इन्फॉर्मेशन। क्या हुआ पहले, कौन सी गवर्नमेंट थी, किसके लीडर्स कौन हैं, कैसे वो चेंज हुई, कैसे रिजीम चेंज हुई, और उससे एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन, उस ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें न्यूज़पेपर में आ रही हैं, दैट्स इन्फॉर्मेशन। सेकेंड थिंग दैट आई टोल्ड इज कॉन्सेप्ट, और यू कैन कॉल इट एनालिसिस। तो नाउ गोइंग टू द डेप्थ ऑफ द न्यूज़, न्यूज़ के तह तक जाने की, वॉट इज़ द हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूज़। अगर अफगानिस्तान में प्रॉब्लम है, तो उसका हिस्टोरिक ओरिजिन क्या है, वहाँ पे अमेरिका का इन्वेजन रहा, वहाँ पे रशिया का इंटरफेरेंस रही, एक जाता था तो दूसरा आ जाता था, रीजंस क्या थे उनके वहाँ पे आने के, क्या उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे जो इसने मिडल ईस्ट को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करके रखा, इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या होगा, इसका इम्पैक्ट सिक्योरिटी पे क्या होगा, इंडिया की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान, देन इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस, इस चीज़ से यूएस का इंटरफेरेंस क्या, एक क्या इमेज क्रिएट होगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसका चाइना पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट पार्ट और द एनालिसिस पार्ट, विच यू हैव टू थिंक ऑन योर ओन, यू हैव टू फिगर आउट द नोट्स, राइट? अब जब मैंने
अब बातों में से आपको लग रहा होगा कि यार इतना रायता फैला दिया, इतना कैसा सोचना है। वैसे तो जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दे नो इट कि हाउ टू अप्रोच दिस। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर हु आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी। तो ऐसे इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है जितना मैंने रायता फैला के बोला है। यहाँ पे चीज़ें बड़ी सिंपल सिंपल होती हैं। यू हैव टू रिमेंबर 2 to 3 पॉइंट्स, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं वहाँ पे बोलने के लिए। एंड अगर आपके पास पॉइंटर्स हैं तो भी इतना ज़्यादा बोलना इज नॉट अप्रिशिएबल। तो एक टू द लिमिट बोलने के लिए आप 2 से 3 पॉइंट्स हर चीज़ पर कवर कर लीजिए। एक बेसिक थॉट प्रोसेस बना लीजिए। हर बात को रट्टा मारा नहीं जाता है कि मैं याद करके जाऊंगा तो मेरे से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं आंसर दूंगा। नो, आपको एक थॉट प्रोसेस डेवलप करना है कि अगर इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा तो किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यू कैन फ्रेम योर आंसर्स ऑन योर ओन ओवर देयर। हर बात को आप पहले से सोच के नहीं जा सकते हो, हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक न्यूज़ को, हर एक कॉन्सेप्ट का पहले से पढ़ के नहीं जा सकते हो, राइट? तो बैकग्राउंड रीजंस, इंटरलिंकेजेस, ये सब आपको कॉन्सेप्ट में देखने हैं। थर्ड कम्स द पॉइंट ऑफ वर्ड्स। तो ये अभी तक आपने इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट का तो कई जगह सुना होगा, वर्ड्स क्या चीज़ है। बेसिकली जब भी आप किसी न्यूज़ को प्रेजेंट करते हैं देन देर आर सम एसोसिएटेड जागंस, द राइट वर्ड्स विच आर मेंट फॉर दैट न्यूज़, राइट? तो सिक्योरिटी के पार्लांस में कुछ एक अलग तरीके की टर्मिनोलॉजी या अलग तरीके के जागंस यूज़ किए जाएंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस में वो कुछ डिफरेंट होंगे, इकोनॉमी में वो डिफरेंट होंगे, राइट? जैसे सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ, कोई आदमी जैसे शेयर मार्केट के बारे में बातें कर रहा है तो एक लेमन लैंग्वेज में बोला जाएगा यार शेयर मार्केट क्रैश हो गया या मार्केट टूट गया या मार्केट गिर गया। बट जो लोग रेगुलर को यूज़ करते हैं दे विल यूज द वर्ड करेक्शन, कि आज मार्केट में करेक्शन आया है। सो दीज आर द टेक्निकल वर्ड्स और द जागन्स। जब आप बोलते हैं यू सीम नॉलेजेबल। तो अगर आपसे तीन तरीके के टॉपिक से बात की गई, आपसे स्पोर्ट्स के बारे में बात करी, आपसे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात करी, सिक्योरिटी के बारे में बात करी, तो आपने तीनों में राइट वर्ड्स का जो सिलेक्शन, अपने वर्ड्स का जो सिलेक्शन था वो एकदम अप्रोप्रिएट रखा है, दैट विल शो योर इंटरेस्ट, दैट विल शो योर कैलिबर अबाउट द नॉलेज, दैट विल शो योर डेडिकेशन कि आप किसी भी न्यूज़ को पढ़ रहे हैं तो इट्स नॉट जस्ट यू आर रीडिंग फॉर द इंटरव्यू बट यू आर ट्राइंग टू एनालाइज इट, ठीक है ना? आपको एक एक्सपर्टीज है, तो दैट विल शो। जैसे मैंने बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन की बात करी थी, तो ये एक कॉन्टेंट को एनहेंस करेगा जो आप जाकर प्रेजेंट करोगे। तो बेसिकली हर आंसर के दो पार्ट रहेंगे, द कॉन्टेंट एंड द प्रेजेंटेशन। यू हैव टू वर्क ऑन बोथ द एंड्स इफ यू हैव टाइम। टाइम नहीं है या वहाँ पे जाके ब्लैंक आउट आ जा रहे हो, तो दो में से एक को अपना ऐसा कवर यूज़ करो और दूसरे को आपको कॉन्टेंट अच्छा नहीं है तो प्रेजेंटेशन अच्छी करो। प्रेजेंटेशन कंटेंट अच्छा आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कंटेंट को प्रोसेस चल रहा होगा तो प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाएगी। बट इफ यू आर एबल टू बैलेंस आउट बोथ द थिंग्स यू आर गोना रॉक ओवर दैट। नाउ कमिंग, हाँ, द पॉइंट इज टू कनेक्ट योर न्यूज़पेपर टू योर बायोडाटा। कौन सी न्यूज़ पढ़नी है? पहली बात तो सारी पढ़नी है, जितनी मिले सब पढ़ डालो। फोकस कहाँ करना है? जो न्यूज़ आपके बायोडाटा से लिंक कर रही हैं। इफ यू आर सेइंग कि जी मेरा ऑप्शनल PSIR है सिविल सर्विसेज में, तो उस तरीके के सारे न्यूज़ टॉपिक्स पे आपकी कमांड होनी चाहिए। अगर आपने हॉबीज़ में स्पोर्ट्स को कुछ मेंशन किया हुआ है तो स्पोर्ट्स रिलेटेड सारी न्यूज़ आपको पढ़नी है। अगर आप कुछ कॉमर्स रिलेटेड हो, या जैसे मैं बैंकर हूँ तो कुछ ये जो BFSI रिलेटेड न्यूज़ होती हैं इकोनॉमिक टाइम से या इकोनॉमी सेक्शन से, वो आपको उसके बारे में एक अच्छी कमांड होनी चाहिए। अगर आप एक IT बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपने कुछ साल जॉब कर रही है, तो टेक्नोलॉजी में आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी किधर जा रही है कंट्री की। हम AI को लेकर आ रहे हैं, बिग डेटा एनालिटिक्स इन सबको यूज़ कर रहे हैं कि क्या यूजेज है, गवर्नमेंट कैसे इनको अडॉप्ट कर रही है। तो ये आपको जो न्यूज में फोकस एरिया ढूंढना है, दैट यू हैव टू सर्च एज पर योर बायोडेटा, राइट? एंड फोकस ऑन द एडिटोरियल्स रादर देन ओनली द आर्टिकल्स। सिर्फ जो फ्रंट पेज लास्ट पेज के आर्टिकल्स को छोड़ के इफ यू कैन रीड द एडिटोरियल्स। वैसे UPSC वाले बच्चों को इट्स नॉट बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि एडिटोरियल्स पढ़ो, बट जस्ट फॉर योर सेक ऑफ रिविजन टेलिंग द एडिटोरियल्स आर गोना वर्क फॉर यू। नाउ कम्स अ टॉपिक ऑफ ऑनलाइन कॉन्टेंट, कि ऑनलाइन कॉन्टेंट क्या कंज्यूम करना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बहुत से बच्चों को लगेगा अच्छा मैं यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ तो चलो मैं कोई एक वीडियो खोल लेता हूँ। बहुत सारे अच्छे अच्छे, आई एम नॉट डिमीनिंग एनीबडी, बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूशन है जो वीडियोज प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर मीनिंगफुल एज वेल, बट अकॉर्डिंग टू मी वो दैट शुड बी जस्ट 10% पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। आई हैव द रीजन, आई हैव द वाई, क्यों? क्योंकि जो भी कॉन्टेंट हम इस तरीके से शॉर्ट नोटिस पे यूट्यूब से कंज्यूम करते हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता, एंड देर इज नो पॉइंट ऑफ पुटिंग योर एनर्जी इन समथिंग दैट यू कांट रिमेंबर, राइट? तो वहाँ एनर्जी पुट कीजिए जो आपको याद रहे, क्योंकि वहाँ पे अल्टीमेटली यू हैव टू रिहाइड्रेट थिंग्स। अगर आप यूट्यूब पे वीडियोज देखें वेल एंड गुड, बट देन मेक नोट्स। वो 30 मिनट की वीडियोज आपको पूरे एक घंटे के पड़ेगी अगर आप नोट्स वहाँ पे बनाने बैठ जाओगे उसके। तो सो इट्स नॉट ईजी कॉन्टेंट को कंज्यूम करना जो हम यूट्यूब पे देख रहे हैं,
इट्स नॉट ईजी। आई आई एडवाइस कि जो मैं आपको यहाँ पे बातें बता रहा हूँ, डू मेक नोट्स विद यू। ये मेरे बहुत ही वैल्यूएबल खुद के जो मेरे अपने टाइम के नोट्स हैं, और मैंने काफ़ी लोग जो असिस्टेंट कमांडेंट सेलेक्ट हुए सर्विंग है और जो बहुत टाइम से वहाँ पे यू नो सर्व करके आए हैं, जिनसे मैं पॉडकास्ट के टाइम पर मिला, उन सब से बात करके मैं इस फाइनल कंक्लूजन पर पहुँचा हूँ। जो ये मैंने नोट्स बनाए हुए मेरे अपडेटेड रिवाइज नोट्स हैं। सो डू मेक नोट्स, सिर्फ बैठ के एक वर्चुअली आपको यू नो देखे कि हाँ एक पैसिव कंज्यूमर ऑफ कॉन्टेंट, वो मैं आपको नहीं बनाना चाहता हूँ। डू मेक नोट्स, इसलिए मैं साथ साथ में आपके नोट्स हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। डू राइट डाउन इन योर ओन लैंग्वेज जो भी पॉइंटर्स आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो आई वॉज टेलिंग अबाउट द ऑनलाइन कॉन्टेंट। सो यहाँ पे पहली बात तो वो जो वीडियोज़ को मैंने कहा कि अननेसेसरी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ कंज्यूम करोगे, चीज़ें याद नहीं रहेंगी, ज़्यादा पॉइंट नहीं है। आप खुद यह सोचो कि जब से आप प्रिपरेशन कर रहे हो आपने कितनी वीडियोज़ देखी हैं, आपको कितनी याद है। या तो आप उसके नोट्स बनाओ, अदरवाइज टाइम वेस्ट मत करो वहाँ पे। नाउ ए लॉट ऑफ पीपल यू एडवाइस के वी शुड रीड दी ऑथेंटिक गवर्नमेंट वेबसाइट्स एंड देयर डेटा, जैसे कि PIB हो गई, योजना मैगजीन वगैरह। सो माई टेक इज ऑन दिस इज दैट इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू रीड द ऑथेंटिक सोर्सेज, टू रीड द गवर्नमेंट वेबसाइट्स, देयर डेटा, एवरीथिंग। बट अकॉर्डिंग टू मी, फ्रॉम माई एक्सपीरियंसिस, आई स्टडीड फ्रॉम NCERTs, आई स्टडीड फ्रॉम PIB, आई स्टडीड फ्रॉम VSLN मैगजीन्स एंड वेबसाइट्स। ये जो कंटेंट होता है बहुत बोरिंग होता है, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं उसे कम्प्लीटली नहीं पढ़ पाता, बिकॉज दे आर नॉट दैट कंटेंट इज नॉट मेंट फॉर स्टूडेंट्स, दैट्स नॉट एन एकेडमिक कंटेंट, राइट। तो अगर आप वहाँ पे जाके पढ़ पाते हैं, इट्स वेरी 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 गुड, इट्स हाईली रिकमेंडेड टू फॉलो दोज ऑफिशियल सोर्सेज। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे कि मैं था एक नॉर्मल बच्चा, मेरे ख्याल से ऐसा ही होता है, देन देर इज़ नो हार्म इन कंज्यूमिंग द कॉन्टेंट, रेडीमेड कॉन्टेंट फ्रॉम वेरियस लाइक मैगजीन्स, और यू कैन से जैसे ORN वगैरह में, करोल बाग में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स की मैगजीन्स मिलती है। यू कैन रीड फ्रॉम देयर, यू कैन मेक योर नोट्स, और जो आपको समझ में आता है वहाँ से पढ़िए फिर, बिकॉज इम्पॉर्टेंट है समझना, याद रखना और रिहाइड्रेट करना। आई अगेन रिपीट, समझना, याद रखना एंड रिहाइड्रेट करना। इट्स नॉट जस्ट कि आपको बस पढ़े जाना है, इट्स नॉट गोइंग टू यू नो पे यू एट द एंड ऑफ द डे। सो दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड। तो ऑनलाइन कॉन्टेंट के बारे में दिस इज माई से। अगेन YouTube वीडियोस का एक पॉइंट मैंने बनाया है, मैं भी वही बात जो मैं कह रहा था कि कीप इट लिमिटेड, कीप इट वेरी सेलेक्टिव। आई डोंट थिंक इट्स गोना बी वेरी बेनिफिशियल इन द इंटरव्यू, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिहाइड्रेट अ YouTube वीडियो। बट हाँ, आजकल यू नो AI बेस्ड टूल्स और एक्सटेंशंस आ गए हैं विच कैन समराइज द YouTube वीडियोस फॉर यू। तो जैसे मर्लिन होता है या अलग अलग ऐसे एक्सटेंशंस होते हैं, हेल्प टेक टेक देयर हेल्प वीडियो को देखने की जगह आस्केट के वो उसको समराइज द वीडियो, यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट द कंटेंट एंड रिमेंबर इट, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो आई एम टेलिंग यू हाउ टू यूटिलाइज द टेक्नोलॉजी टू द मैक्सिमम फॉर दिस इंटरव्यू प्रिपरेशन, राइट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ ग्रेजुएशन, ये मैंने अपनी प्रीवियस एक वीडियो में थी उसमें भी आपने शेयर किया था। तो इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू कैन आंसर, इट्स रियली गुड। वॉट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन, आई डोंट थिंक, मेरे ओपिनियन में जितने मैंने लोगों से बातें करी है, कि कोई बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाने वाला है, वो नहीं जाएंगे इतना इन डेप्थ। दे आर नॉट ऑर्गेनाइजिंग एन इंटरव्यू फॉर योर कोर सब्जेक्ट्स, राइट। दे आर नॉट हायरिंग एन इंजीनियर, दे आर नॉट हायरिंग सम मार्केटिंग प्रोफेशनल, उनको एक नॉर्मल अपने कौन मतलब काम में चाहिए। बट एवरीबडी विल एक्सपेक्ट, दे विल ट्राई टू नो यू एज अ पर्सन, कि जो आपने पढ़ा है कितना आपकी एक्सपर्टीज है, कितनी उस पर कमांड है। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है डू प्रिपेयर फॉर 2 to 3 सब्जेक्ट्स। कोई आपने थीसिस करी हो, कोई डिजर्टेशन लिखी हो, अगर आपने मास्टर्स करी है, या कोई प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया हो, तो उसको इंट्रोडक्शन में बोल दो, या फिर रेज्यूमे में डेप्थ पे मैंशन कर दो, सो दैट क्वेश्चन वहीं पर पुटअप हो, वो इधर उधर रहता ज़्यादा ना फैले। एंड जस्ट मेक श्योर दैट वाइल यू आर आंसरिंग, यू आर नॉट स्पीकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू आर नॉट गिविंग देम अननेसेसरी काउंटर क्वेश्चंस, के जिनको उठा के वो यू नो दे कैन डू द क्रॉस क्वेश्चनिंग, वो बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग होती भी नहीं है। इट जस्ट यू हैव टू इंश्योर दैट इट्स नॉट हैपनिंग ओवर देयर। सो यू कैन सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन द ट्रांसक्रिप्ट्स, बट अगेन इट्स वेरी सब्जेक्टिव, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, वेदर ही वॉन्ट्स टू आस्क और ही डज नॉट वॉन्ट टू आस्क, वॉट डज ही वॉन्ट टू आस्क, उनको यू नो कितने डेप्थ में जाना है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है। बट वॉट इज एडवाइजेबल इज कि आप 2 to 3 अपने सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लें। अगर आप वहाँ पे आंसर नहीं दे पा रहे हो, स्ट्रेट अवे कोई क्वेश्चन पूछा, यू कैन से सर दिस इज माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, नॉट यूज द वर्ड द एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, बट से इट इन सच अ वे कि दिस इज वॉट यूज टू इंटरेस्ट मी, आई कैन आंसर क्वेश्चन फ्रॉम दिस सब्जेक्ट और फ्रॉम दिस टॉपिक, और दिस वॉज माई प्रोजेक्ट, दिस वॉज माई डिजर्टेशन, दिस वॉज माई थीसिस। तो क्वेश्चन उसके इन एंड अराउंड रिवॉल्व करने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो कोई सर्टिफिकेशन आपने किया हो, कोई वर्कशॉप आपने अटेंड करी हो, कोई एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्सपीरियंस आपका रहा हो, सो डू मैंशन ऑल दोज थिंग्स,
राइट तो आई थिंक जो फर्स्ट एक फेज है किसी भी इंटरव्यू का, उसको अप्रोच करने का, वो मैंने यहाँ पे हॉलिस्टिकली कवर किया है. ये मेरी फर्स्ट वीडियो, आई ट्राई टू कीप द वीडियोज एज शॉर्ट एज पॉसिबल, बट आई अगेन से कि डू मेक नोट्स ऑफ दिस वीडियोज एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इफ यू वॉन्ट समथिंग स्पेसिफिक आउट ऑफ दिस वीडियो. कोई स्पेसिफिक कोई पॉइंटर हो जिसपे आप डिस्कशन करना चाहते हो, आई मेक अ वीडियो ऑन दैट. सो ऑन दैट नोट आई विल टेक योर लीव. Thank you so much for watching us, and thank you so much for your love and patience. We have crossed 25,000 subscribers on the Next Officers. Hopefully, agar ye videos aur ye playlist aapko help karegi, to give us a chance by subscribing to us, by sharing our videos, and by spreading our effort. Yeah. So thank you so much. I'm Arpit Kaushik signing off. Bye bye.